स्वागत है आपका निक्स 9 न्यूज में। आपके मन में काफी बार ये सवाल जरूर आता होगा कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि जो कैटरीना ने सलमान को छोड़ दिया था और विक्की से अचानक से शादी कर ली। तो पहले तो आपको ये चीज क्लियर कर देते हैं कि शादी अचानक से नहीं हुई थी, काफी प्राइवेट रिलेशनशिप को रखा गया था कैटरीना और विक्की ने, और उसके बाद इन्होंने फैसला लिया कि हम शादी करेंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सलमान को छोड़ने की, तो आपको बता दें कि इसकी भविष्यवाणी हुई थी, और ये भविष्यवाणी किसने की थी चलिए उसकी बात करते हैं। फिर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि टीवी पर शो आता है शार्क टैंक करके, वो शो अब काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स ले रहा है, TRP इतनी ज़्यादा बढ़ रही है उस शो की, और वो शो काफ़ी लोगों को पसंद भी आ रहा है। तो उसी के ऑनर, उसी के डायरेक्टर, उसी के प्रोड्यूसर कपिल शर्मा शो में पहुंचे थे, और वहां पहुंचने के बाद काफ़ी ज़्यादा मौज मस्ती करते हुए दिखाई दिए। और इस शो का मोटिव है कि यहां पर उद्योगपतियों को, यानी कि मिलेनियर्स, बिलेनियर्स और करोड़पतियों को लेकर आया जाए, और वो बताया कि उन्होंने अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट किया था और आने वाले टाइम में क्या बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे लोगों को इस चीज़ की जानकारी मिले कि अगर कोई बिजनेस करना चाहता है तो वो किस तरीके से कर सकता है। तो यही है शो का मतलब। लेकिन जब वो लोग कपिल शर्मा शो में पहुंचे तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वहाँ मौज मस्ती ना हो, और वहाँ भर भर के मौज मस्ती हुई और सवालों की तो पूरी लिस्ट ही खड़ी हो गई थी शार्क टैंक के आगे। जब कपिल शर्मा ने क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट किया तो उन्होंने पूछा कि आपने कैटरीना कैफ को ही क्यों एम्बेसडर बनाया, तो उनका कहना था कि कैटरीना कैफ एक ऐसी खूबसूरत महिला है कि लोग उनको फॉलो करते हैं, उन्हें अपना आइडल मानते हैं। तो हमने सोचा अगर हम टूथब्रश का कोई ऐड करते हैं तो सब लोग सोचेंगे कि कैटरीना यूज़ कर रही है तो हम क्यों नहीं। वहीं पर जब हमने देखा कि कैटरीना लेंस कार्ड की ऐड में बहुत ज़्यादा आने लगे तो वो भी शार्क टैंक के द्वारा ही था, और तब भी यही सोचा गया था कि कैटरीना स्पेक्स लगाना बहुत पसंद करती है, तो कैटरीना स्पेक्स लगाएगी तो लोग भी लगाएंगे, लोग सोचेंगे कि क्यों ना हम भी ऐसे अच्छे से दिखे और हम भी स्पेक्स खरीदें। तो इसी वजह से हमने कैटरीना कैफ को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया, और ये चीज़ हमें काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद भी हुई। लेकिन इन सब सारी बातों के बीच में कुछ ऐसी बात सामने आ गई जिसको सुन के एक बार को हंसी भी निकल गई, लेकिन एक बार को सब लोग शॉक भी हो गए। वहीं पर शार्क टैंक के अशनूर का कहना था कि ऐसा भी हुआ था कि जब कैटरीना ने चश्मा लगाया तो उनको साफ दिखने लग गया था, और जब उनको साफ दिखा तो उन्हें ये दिखा कि सलमान के साथ नहीं, विक्की कौशल के साथ ही मेरा फ्यूचर है, और वो चीज़ क्लियर हो गई। इस वजह से उन्होंने सलमान को छोड़ दिया, और ये सुनते ही वहाँ पे बैठे दर्शक और सारे ही लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे कि यही रीज़न था सलमान को छोड़ना और कैटरीना का विक्की को अपनाना। तो क्या आपको भी यही कारण लगता है कि लेंस कार्ड के जो चश्मा है उसने ये चीज़ दिखा दी कैटरीना को कि कौन उनके लिए सही है और कौन नहीं? आपको लगता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम।